हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। डियर, आज रीडिंग लेकर आई हूँ। आपके पर्सन अपने दोस्तों से, अपने करीबियों से आपके बारे में क्या बातें करते हैं? आपके पार्टनर अपने लव्ड वंस के साथ आपके बारे में क्या बातें करते हैं? तो यहाँ पर रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है और जेंडर फ्री है। कलेक्टिव के लिए आज मैं रीडिंग लेकर आई हूँ और मेल फीमेल सभी का वेलकम है। सभी लोग ये एनर्जी क्लेम कर सकते हैं, ये रीडिंग देख सकते हैं। तो चेक करते हैं कि आपका पर्सन, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, वो अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड सर्कल में आपके बारे में क्या बातें करते हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मेरे सभी असेंडेड मास्टर्स को, थैंक यू, थैंक यू सो मच। फर्स्ट कार्ड निकल कर आया है, फोर ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बहुत यूनिक एनर्जी निकल कर आ रही है यहाँ पर। ओ माय गॉडनेस, वाओ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। आई एम हैप्पी, आई एम सो मच हैप्पी, वाओ वाओ। ओ माय गुडनेस, बॉटम ऑफ डेक, नाइन ऑफ कप्स, वाओ। डियर फ्रेंड्स, देखिएगा आपके पर्सन अपने दोस्तों से बातें करते हैं कि वो आपके अंदर एक मैरिज मटेरियल क्वालिटी देखते हैं। वो आपके अंदर अपना सोलमेट, अपना डिवाइन काउंटर पार्ट, अपना बहुत ख़ास हिस्सा देखते हैं। यहाँ पर फोर ऑफ वॉन्ड्स है, हेरोफेंट है और टेन ऑफ कॉइन्स हैं। तो पहले आपको मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर जोडियक साइन कौन कौन से हैं। यहाँ पर एयर साइन है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, यहाँ पर अर्थ साइन है टॉरस वीरगो कैप्रिकॉर्न, वाटर साइन है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस और यस जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। मुझे ये साइन यहाँ पर बहुत दिख रहे हैं, एयर, फायर और वाटर। तो डियर, आपके पार्टनर अपने दोस्तों से कहते हैं कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं। आपके बिना उनको अपनी ज़िंदगी में बहुत एकाकीपन महसूस होता है, सूनापन महसूस होता है और उनकी सोल आपसे हमेशा जुड़ी रहना चाहती है। वो अपने उस सपने को साकार करना चाहते हैं कि उनका जो अदर हाफ है वो हमेशा उनके साथ रहे, और यही वजह है कि वो चाहते हैं कि आपसे उनकी मैरिज हो। वो अपने दोस्तों को बताते हैं कि वो डियरली आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में लेके आना चाहते हैं। नो मैटर व्हाट, सिचुएशन क्या होगी, कैसी होगी नहीं पता उनको, लेकिन वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको अपनी लाइफ में। द हेरोफेंट मैरिज का कार्ड है, सेकंड कार्ड है ये मैरिज का। हेरोफेंट, ये पर्सन मन बना चुके हैं आपके पास आने का, आपको मैरिज प्रपोजल देने का। टेन ऑफ कॉइन्स, ये आपके साथ हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, ये चाहते हैं इनके ढेर सारे बच्चे हों आपके साथ, ये ओल्ड होना चाहते हैं। देखिएगा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कार्ड में, कपल बैठे हुए हैं, काफ़ी ओल्ड हो चुके हैं और आसपास उनके बच्चे हैं। तो ये पर्सन चाहते हैं कि ये आपके साथ हैप्पी हैप्पी फैमिली स्पेंड करें, आपके साथ ओल्ड एज होना चाहते हैं। चैरियट का कार्ड है, मूवमेंट है, ये आपकी ओर आने के लिए प्रयासरत है, आपकी ओर आना चाहते हैं और आएंगे बहुत जल्दी, आप तक पहुंचेंगे। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, इन्होंने आपसे हो सकता है कि कुछ बातें छिपा के रखी हों, या फिर ये सडन आपको सरप्राइज देना चाहते हों, अचानक से ये आपके सामने आकर खड़े हो जाएंगे और आपसे कहेंगे कि विल यू मैरी मी,
क्या मुझसे शादी करोगी, और आप उस वक्त नहीं समझ पाओगी कि सचमुच में मुझे क्या कहना है, क्या करना है। तो बहुत हैप्पी और बहुत प्रीशियस कार्ड्स हैं ये। तो ये अपने दोस्तों से ये कहते हैं कि वो आपके साथ अपना पूरा जीवन गुजारना चाहते हैं, वो आपके साथ ओल्ड होना चाहते हैं, आपका ख्याल रखना चाहते हैं। वो ये भी कहते हैं कि वो बहुत जल्द प्रपोजल लेकर आपके पास पहुंचेंगे, और वो हेल्प लेना चाहते हैं, अपने दोस्तों की हेल्प चाहते हैं अपने रिलेशनशिप के लिए। और इसी वजह से वो अपनी बहुत सारी बातें अपने दोस्तों से शेयर करते हैं और उनसे हर तरह की मदद के लिए उम्मीद करते हैं। मे भी किसी पर्सन से इन्होंने ये भी बात की है कि उनको एक छोटा सा 1 BHK या 2 BHK फ्लैट चाहिए जिसमें कि वो आपको रख सकें अपने साथ। 7 ऑफ सॉर्ड्स, कुछ बातें ये आपसे अभी हिडन रखना चाहते हैं। ये आपको तभी सरप्राइज़ देंगे क्योंकि इन्होंने अपने फ्रेंड सर्कल में भी ये बात कह के रखी है कि मैं सडन से कुछ अनएक्सपेक्टेड करना चाहता हूँ। स्ट्रेंथ, ये अपने दोस्तों को बताते हैं कि आप जब से इनकी लाइफ में आई हो, इनको अपने अंदर एक स्ट्रेंथ महसूस होती है। जो लाइफ सूनी सी थी, वीरानी सी थी, अब इनको उसमें कलर्स महसूस होते हैं। इनको ये लगता है कि जीवन खूबसूरत है और इस लाइफ में ये आपके साथ बहुत खूबसूरती के साथ अपना सारा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। ये जानते हैं कि आप उनको हर कदम पर सहयोग देंगी। ये अपने दोस्तों से ये कहते हैं कि आपके अंदर बहुत करेज है, आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, और आप किसी भी परिस्थिति का सामना करने से घबराती नहीं हो या घबराते नहीं हो। बेशक कोई भी सिचुएशन हो, आप उससे फाइट करने की क्षमता रखती हो या रखते हो। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये पास्ट में बहुत बर्डन और बहुत तकलीफ़ें फेस कर चुके हैं, और ये अपने दोस्तों से ये कहते हैं कि पास्ट में जितने रिलेशनशिप मेरे ख़राब हुए हैं, शायद वो इसीलिए ख़राब हुए थे क्योंकि मेरी लाइफ में मेरा पार्टनर आने वाला था, मेरा खास, मेरा अपना अजीज, मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट आना था। इसलिए पिछले जितने भी रिलेशनशिप थे वो सक्सेसफुल नहीं हुए, और मैं इस बात को लेकर बहुत बर्डन में था या बर्डन में थी कि लोग मेरे बारे में क्या राय रखते हैं, लोग मुझसे रन करते हैं, मुझे अवॉइड करते हैं, मुझे अपने लायक नहीं समझते हैं। लेकिन फाइनली मुझे ये एहसास हो गया है कि ये पर्सन मेरी लाइफ में आना था, इसीलिए पास्ट के बहुत सारे वूंड्स मुझे मिले जिससे कि मैं रिलीज़ कर सकूं अपने ट्रॉमा को और अपने पास्ट के जितने भी रिलेशनशिप हैं उनकी एनर्जी को। 9 ऑफ कप्स, ये अपने दोस्तों से कहते हैं कि इनको आपके साथ बहुत इमोशनल अटैचमेंट है, ये आपके साथ भावनाओं से जुड़े हुए हैं। समटाइम ये पर्सन आपके लिए रोते हैं, बहुत बहुत दिल से महसूस करते हैं ये आपकी फीलिंग्स को। डेथ कार्ड है, आपके लाइफ में आने के बाद इनके जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुए हैं। ये कहते हैं अपने दोस्तों से कि जब से आप इनकी लाइफ में आई हो, तब से इतने सारे हैप्पी चेंजेस हो रहे हैं कि हर जगह से खुशियाँ आ रही हैं। एस ऑफ कॉइन्स, इनको अपने काम में मन लग रहा है, ये अपने अंदर एक इंथुजियाज्म महसूस कर रहे हैं, एक एनर्जी महसूस कर रहे हैं। चलिए और देखते हैं कि ये और आपके बारे में क्या बातें करते हैं। द मून, बॉटम ऑफ डेक, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स।
ये अपने दोस्तों से कहते हैं कि जब आप और इनके बीच में किसी तरह का कोई क्योस, कोई झगड़ा, कोई आर्गुमेंट होता है तो ये पर्सन खुश नहीं होते हैं, इनको बहुत दर्द महसूस होता है, बहुत सूनापन लगता है, ये लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, इनका किसी काम को करने का मन नहीं करता है, जीने की उम्मीद ख़त्म हो जाती है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ये आपकी ओर रन करना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं, ये कहते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम हो अब मैं रुक नहीं सकता, और पूरी तरह से ये आपके लिए दृढ़ निश्चय कर चुके हैं। एस ऑफ कप्स, फाइनली ये पर्सन आपके लिए बहुत ओवरवेलमिंग फील करते हैं, इनको इमोशनली आपका अटैचमेंट चाहिए, ये आपको हग करना चाहते हैं, ये आपको महसूस करना चाहते हैं कि आप इनके साथ हर कदम पर हो। फाइनली एस ऑफ कप्स, द वर्ल्ड एंड टू ऑफ कप्स, अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, आप लोग दूर रहते हैं, अदर स्टेट्स में रहते हैं, तो ये पर्सन आपकी ओर आएंगे। ट्रैवल का कार्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड है, तो हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को देखने के लिए या मिलने के लिए जर्नी करें, एक दूसरे से मिलें और अपने दिल का हाल एक दूसरे को बताएं, क्योंकि ये पर्सन अपने फ्रेंड्स से भी ये बात कह चुके हैं कि फाइनली ये आपसे मिलना चाहते हैं और आपको मैरिज प्रपोजल देना चाहते हैं, क्योंकि आप इनका सोल हो, आप इनके सोल का अदर पार्ट हो और ये पर्सन आपको अपने जीवन में लेकर आना चाहते हैं। तो ये अपने दोस्तों से काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में बातें करते हैं। चलिए यहाँ पर कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, ये आपको और क्या बोलना चाहते हैं। यहाँ पर सभी तरह के मैसेजेस हैं, डिवाइन मैसेज भी है, यूनिवर्स की तरफ से भी है, तो देख लेते हैं कि क्या निकल कर आता है। अभी थोड़ा स्लो हो जाओ, मैं तुमसे बातें करना चाहता हूँ बट मेरा ईगो मुझे रोक लेता है। कभी दूर मत जाना, मैंने अपने ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले ली है। आई लव यू द वे यू आर, आप जैसी भी हो, जैसे भी हो, इनको आप बहुत पसंद हो, ये आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं या करती हैं। आई एम अनेबल टू शी यू, ये आमने सामने से शायद आपको नहीं देख सकते हैं, मे बी लॉन्ग डिस्टेंस है इसलिए। मोहब्बत में सजा मिलना तय था, हमने भी कई दिल तोड़े थे आपके लिए, मे बी ये आपने इनसे कहा हो या इन्होंने आपसे कहा हो या ये आपसे बताना चाहते हैं ये बातें। मैं तुम्हें सोशल मीडिया पर स्टॉक करता हूँ, ये आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक करते हैं, आपको देखते हैं। फाइनली बॉटम ऑफ द डेक है, लोगों की शुगर कोटिंग बातों में मत आइए। तो डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि रीडिंग से आपको क्लैरिटी मिली होगी आपके रिलेशनशिप के लिए, और आपको रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ एनर्जी को क्लेम करिएगा। थैंक यू अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।